नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। यानी कि अगर अभी राशन कार्ड धारक है, अभी राशन लेने जाते थे तो आप सबको पता होगा कि एक ही बार फिंगरप्रिंट लगता था, लेकिन इस बार विभाग की तरफ से एक नया बदलाव किया गया है। यानी कि अब आपको दो बार फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या बदलाव किया गया है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से राशन वितरण को लेकर, इसमें क्या बदलाव किया गया इसके बारे में जानकारी देंगे और ये क्यों किया गया है इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी बिहार से हैं, अभी राशन कार्ड धारक हैं, अभी राशन लेने जाते थे तो एक अक्टूबर से बहुत बड़ा बदलाव किया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि सारी बात आपको समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे एक नोटिफिकेशन दिखलाई दे रहा है जो कि बिहार सरकार के द्वारा ये जारी किया है। देख सकते हैं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आम सूचना, यानी कि सभी जितने भी कार्ड धारक हैं उनके लिए सूचना जारी किया गया था। चलिए अब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, इसमें बात क्या कहा गया है आप ध्यान से सुनिएगा। देख सकते हैं इसमें जानकारी दिया गया है 1 अक्टूबर 2022 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण अलग अलग क्रमवार दो पोस्ट ट्रांजेक्शन के द्वारा किया जाएगा। यानी कि दो अलग अलग ट्रांजेक्शन के द्वारा किया जाएगा। ई पोस्ट जो मशीन होता है जो आप फिंगरप्रिंट देने जाते थे उस पर अब आपको दो तरह के यानी कि फिंगरप्रिंट लगेगा जो कि दो ट्रांजेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अतः दोनों योजनाओं का खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु सभी लाभों को दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराते हुए अलग अलग दो रसीद प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप दो बार फिंगरप्रिंट देंगे तो दो योजनाओं का अलग अलग खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु लाभों को दो बार यानी दो बार आपको बायोमेट्रिक देना होगा, जिसके लिए दो अलग अलग रसीद मिलेगा। ठीक है, इस रसीद पर जो भी पैसा देना पड़ेगा, एक रसीद पर जो मुफ्त राशन मिलता है उसके लिए भी लिख लेगा। ठीक है, अब ये जानकारी देते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मात्रा के अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 5 किलो खाद्यान्न चावल यानी कि मुफ्त वितरण किया जा रहा है। यानी कि देख सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आप सभी को पता है कि 5 किलो यानी खाद्यान्न यानी 5 किलो चावल मुफ्त, मानी प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो यानी चावल आपको मुफ्त दिया जाता है। इसके लिए एक अलग रसीद मिलता है। ठीक है, इसके लिए एक अलग रसीद मिलता है तो वही आप जो पैसा लेकर लेते हैं उसके लिए अलग निकलेगा। ठीक है, यानी कि 5 किलो प्रति यानी कि प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त में चावल दिया जाएगा, इसके लिए एक अलग रसीद मिलेगा। इसीलिए आपको दो बार फिंगरप्रिंट लगाना है, एक पैसा वाला फिंगरप्रिंट जो कि आप पैसा देते हैं उसके लिए एक रसीद निकलेगा, एक मुफ्त वाला जो कि आप लाभ उठाते हैं मुफ्त वाला उसके लिए एक अलग रसीद मिलेगा। देख सकते हैं इसमें बताया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 31 दिसंबर 2022 तक किया गया। यानी कि जो भी मुफ्त वाला मिलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आपको 5 किलो मुफ्त मिलता है जो कि चावल मिलता है, जो कि 31 दिसंबर 2022 तक इसको विस्तारित किया यानी बढ़ा देगा। आप सभी पता है हमने वीडियो भी बनाया था 31 दिसंबर तक ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हैं पोर्टेबिलिटी के तहत लाभों की यह स्वतंत्रता है कि अपनी सुविधा से किसी भी जन वितरण प्रणाली के दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप सभी को पता ही होगा कि पोर्टेबिलिटी के तहत लाभों को कहीं से भी वो राशन ले सकते हैं, यानी किसी भी डीलर के पास अपना जाकर फिंगरप्रिंट देकर राशन ले सकते हैं। ये तय नहीं है कि आपको जो भी डीलर पहले से ही आपको राशन देता था वही देगा, ऐसा नहीं। आपको जहाँ मन कर जहाँ अच्छी आए आप वहाँ से भी ले सकते हैं, जहाँ आपको सुविधा हो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यानी पोर्टेबिलिटी के तहत ये किया गया। यदि किसी उचित मूल्य विक्रेता द्वारा निर्माण के अनुसार मुफ्त उद्यान नहीं दिया जाता तो निकट अनुमंडल पदाधिकारी से या विभाग टोल फ्री नंबर पर आप ये शिकायत कर सकते हैं। यानी कि इसमें बताया गया है यदि किसी उक्त मूल्य के विक्रेता द्वारा यानी कि जो भी डीलर है वो आपको मुफ्त खाद्यान्न नहीं देता है, जो फ्री वाला मुफ्त में जो 5 किलो मिलता है चावल वो नहीं देता है, तो आप इस नंबर पर आप ये शिकायत कर सकते हैं। नहीं तो आपके जो भी पंचायत के मुखिया जी होंगे उनके पास भी जाकर ये शिकायत कर सकते हैं, वो कुछ आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो ये अपडेट निकल कर आ रही है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से जितने भी राशन कार्ड धारक होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब सबको पता ही चल गया कि आपको दो बार बायोमेट्रिक देना है, इससे डरना नहीं है, आपको दो बार देना है, दोनों रसीद आपको ले लेना है, अच्छी तरह से देख लेना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा रहा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर करते हैं और लोगों को जानकारी ये मिल सके। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाए ये भी कमेंट करके बता दीजिए। चलिए